पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी नौ ग्रहों में शनि ग्रह विशेष महत्व है। शनिदेव की चाल सभी ग्रहों में सबसे धीमी मानी गई है। शनिदेव को एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में करीब 2.5 साल का वक्त लगता है। शनिदेव को राशि चक्र पूरा करने में करीब 30 साल का समय भी लगता है। शनिदेव को किसी राशि पर शुभ दृष्टि होने के उस राशि के जातकों को कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनि के सारे साथियों और शनि ढैया का से प्रभाव पड़ता है। जिन राशियों पे शनि की महादशा का असर होता है उन्हें जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शनिदेव 13 जुलाई 2022 से मकर राशि में वक्री चाल चल रहे हैं। 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी होंगे। 17 जनवरी 2023 को मकर राशि में शनिदेव रहेंगे, जिसके बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आने वाले हैं। शनि की कुंभ राशि में आने से कुछ राशियों की शनि की साढ़े साथी और शनि ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन होगा, इसे महाराशि परिवर्तन भी कहा जा रहा है। शनि की गोचर के साथ ही तुला और मिथुन राशि के जातकों को शनि ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं धनु राशि वालों को शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिलने वाली है। ऐसे में तुला मिथुन और धनु राशि वालों को शनि की अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान इन राशि के जातकों को नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, मान सम्मान भी मिलेगा।